ये दुखद हादसे की जानकारी मुझे रात में हो गई थी। एक अवैध स्थान पर विस्फोटक सामग्री का होना बनना, इसकी ठीक से जांच हो जाए। जिनकी मृत्यु हो गई है वो तो वापस नहीं लौट सकते, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ से मरे हैं और अभी बहुत बड़ी संख्या में घायल भी होंगे। हमारे प्रदेश की सरकार तो बहुत ही संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं। जो उनके परिजन हैं उनको ठीक से मुआवजा भी मिलेगा या घोषित हो चुका होगा, लेकिन जो मर गए वो बहुत कष्ट से मरे हैं। और इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो। ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। मेरी पूरी सहानुभूति परिजनों के साथ है और मैं जो गुजर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ इस दुखी मन से कि ऐसे दुख से किसी की मृत्यु ना हो। अब मैं इसको इसलिए नहीं कह सकती हूँ कि इंटेलिजेंस का काम है, लेकिन ये तो लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बारूद बनना कि उसका विस्फोट हो गया और ये सब हो गया, तो कहाँ से सामग्री जुटी होगी। तो वो तो जब तक इस प्रकार के लोग ना हो जो आतंकी गतिविधि में संलग्न रहते हों, ऐसी सामग्री मिल नहीं पाती। जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो पूरा स्वर्ण मंदिर के अंदर बारूद भरा हुआ था, इसलिए कांग्रेस के लोग से और आतंकवादियों से भर गया था। हम ना आतंकवादियों को छोड़ते हैं, और एक बार सिमी के आतंकवादी भागे थे जेल से जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, तो सब उड़ा दिए गए थे। ठीक है, इसके पहले भी उस इलाके में सिमी के लोगों की गतिविधियां रही हैं, अगर आपको पता हो तो। ये सारी चीज़ों का ठीक से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे होंगे। मेरी पूरी सहानुभूति